बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी जूलॉजी फिज़िकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की होंगी, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो नॉन वोलेटाइल होंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन के तौर पर बिहेव करें। अच्छा, उनमें फिर क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, उसकी तादाद पर डिपेंड करते हैं, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं कि दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है क्या चीज़? देखें, जिस वक्त हम किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करें, सॉल्यूशन बन जाएगा उसका। आपने अगर पहले उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया है और फिर उसका सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर भी उसका आप सॉलिडिफाई करें, उसकी फ्रीजिंग करें, तो आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है वो पहले फ्रीज होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो थोड़ी देर के बाद यानी लो टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। फ़र्ज़ करें पानी 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, तो अगर उसमें आप 1 किलोग्राम पानी के अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज मिला के उसका सॉल्यूशन बना दें, तो अब पानी 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा, अब सॉल्यूशन बनकर ये -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर फ्रीज होगा। तो ये जो डिक्रीज हुई है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसे आप डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दे देंगे। अब इसकी जो रीज़न है वो भी वही मेन, तो वेपर प्रेशर की रीज़न है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाता है। हम ये कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड और लिक्विड फेज जो हैं ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएं, तो उसे आप और उनके प्रेशर्स भी क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उन्हें आप फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। एक सवाल ये होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्टिफाई, तो वो आप एक एग्जांपल उसमें मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने शुरू में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेंशन किया था, आप उसमें लिखेंगे कैसे कि आपने 3 सैंपल्स लिए हैं, हर एक में 1 किलोग्राम पानी आपने ऐड किया, और पहली सैंपल में आपने 60 ग्राम यूरिया ऐड मिक्स कर दिया, दूसरे में आपने 180 ग्राम ग्लूकोज मिक्स कर दिया, तीसरे में 342 ग्राम शुगर सुक्रोज को आपने मिक्स कर दिया, इनके तीनों के सॉल्यूशंस अलहदा अलहदा आपने तैयार कर लिए। हर एक की अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन ये उनका 1 मोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 मोल में पार्टिकल्स की तादाद एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है। अब इसमें जो सॉल्वेंट के बाद जो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी, वो तीनों सॉल्यूशन में बराबर होगी, और वो उसकी वैल्यू -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, या 1.86 कम हो जाएगी, 0 से -1.86 पर आ जाएगी। तो तीनों सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट अगरचे सेम है, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उसकी तादाद सेम है हालांकि उनकी नेचर डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है। सो दीज आर दी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी as it depend upon the number of the solute particles and is independent to their nature. अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स की तरफ हम आ जाते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने है कि देखें, ये वेपर प्रेशर है,
और ये है टेम्परेचर इस साइड पर। तो हमेशा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये वैसा ही ग्राफ आ गया जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में नोट किया। अब देखें जो प्योर सॉल्वेंट है इस टेम्परेचर पर आकर वो क्या हो गया कि कन्वर्ट हो गया सॉलिड के अंदर, सॉलिडिफाई हो गया। अच्छा, इसके बाद जो सॉल्यूशन है ये कहीं इधर आकर इस जगह पर क्या होगा, ये सॉलिडिफाई होगा। ये जो रेफरेंस है दिस वन टी नॉट और टी का, ये डेल्टा टी एफ कहलाएगा। इसे आप डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट से नोट करेंगे। ये सारा जो इसमें ये थ्योरी मेंशन की हुई है इसमें इसी बात को ही मेंशन किया है जो मैंने आपको यहाँ बयान किया है ग्राफ के ज़रिए। आप इसे रीड कर लेंगे और ये बिल्कुल सेम है। बॉइलिंग पॉइंट में हमने यहाँ ग्राफ को नोट किया, तो फ्रीजिंग में फ्रीजिंग पॉइंट पर हम उसे नोट करेंगे। और फिर ये वही जो इक्वेशन है उसकी कि लॉग ऑफ पी एस और पी नॉट इज इक्वल डेल्टा एच वी और आर क्लासेस क्लैपेरॉन इक्वेशन टी नॉट माइनस टी और टी नॉट टी वेयर डेल एच वी इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन एटसेट्रा। ये आप इसे डिराइव करते जाएंगे। लॉग ऑफ पी एस और पी इज इक्वल टू डेल्टा एच एस और आर टी नॉट माइनस टी और टी नॉट टी। तो इसमें यानी जो है सबलिमेशन कर्व को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया। डेल्टा एच एस इज द हीट ऑफ सबलिमेशन ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट सब्ट्रैक्टिंग नाउ द इक्वेशन 7.18 एंड 7.13 वी ऑब्टेन के लॉग ऑफ पी एस माइनस लॉग ऑफ पी नॉट माइनस लॉग ऑफ पी एस प्लस लॉग ऑफ पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी और आर टी नॉट माइनस टी और टी नॉट टी माइनस डेल्टा टी एस और आर टी नॉट माइनस टी और टी नॉट टी। ये जो लास्ट लेक्चर की इक्वेशन थी ये 7.13 ये उसको मेंशन किया हुआ है। बार रिजल्टेंट क्या बन गया ये देखिए, फाइनल रिजल्ट ये आप इसे माइनस करने के बाद आप कैलकुलेशन जब पेंसिल से करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आते जाएंगे। लॉग ऑफ पी और पी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस डेल एच एफ और ये फ्रीजिंग उसकी होगी और इज माइनस टी और आर टी नॉट टी, ये इक्वेशन इसकी आ गई। और बहरहाल दिस इक्वेशन 7.20 रिलेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर टी टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। बट सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन आर इक्वल एट टेम्परेचर टी विच इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सो इक्वेशन 7.20 आल्सो रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर टी। फ्रॉम द रोल्स लॉ भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स वन या पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन और एक्स वन किसके बराबर है 1 - x2। ये कैसे बन गया कि एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन और एक्स वन किसके बराबर 1 - x2 हो जाएगा। तो आपने इसे यहाँ ऐसे लिख दिया तो p इज इक्वल टू पी नॉट 1 - x2। इसे आप ओपन कर दें और इस इक्वेशन के साथ इसे आप रिलेट कर दें कि लॉग ऑफ 1 - x2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डेल्टा टी एफ ओवर आर टी नॉट टी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन x2 इज वेरी स्मॉल सो लॉग ऑफ 1 - x2 इज essentially equal to minus x2 and t naught t and t naught square hence minus x2 is equal to delta hf delta tf over r t naught square and delta tf is equal to r t naught square or delta hf x2. x2 is equal to mole fraction of the solute that is n2 over n1 plus n2 for very dilute solution. N2 is very much less as compared to N1, so it is neglected and this equation will become nearly equal to N2 or N1. N2 W2 over M2 के बराबर है और N1 जो है ये
डब्ल्यू वन ओवर एम वन के बराबर है। तो ये इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट अप कर दें, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर ओवर डेल्टा एच, डब्ल्यू टू ओवर डब्ल्यू वन, एम वन ओवर एम टू। एम टू को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये जो है आप मॉलिक्यूलर मास जो है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट है एल एफ, जो डेल्टा एच एफ और एम के बराबर है। तो इसको पुट अप करके भी आप डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ एम भी कह सकते हैं। ये कांस्टेंट है ईच सॉल्वेंट के लिए और इसे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कह देते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हेन एम इजिकल टू वन, के एफ इजिकल टू डेल्टा टी एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैन दस बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ यूनिट मोलैरिटी। इन जब सोल्यूशन की मोलैरिटी वन हो तो उस वक्त जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो ये कांस्टेंट होगा और उसे हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम दे देंगे। फॉर ए गिवन सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ के एफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज डिपेंडेंट only on the concentration of the solute and not on the nature of the solute. It is for this reason that depression of freezing point is a colligative property. So, determination of molar mass from freezing point depression, वही जो मैंने अभी कहा कि उस इक्वेशन से आप एम टू को दूसरी तरफ ले जाएँ या ये एम मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दें, एम टू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए के एफ की वैल्यूज दी हुई हैं। तो और देन इसमें आगे इसकी मेजरमेंट मेथड है, ये बैकमैन मेथड ज़्यादातर यही पूछा जाता है, एक रॉस्ट मेथड भी है। बैकमैन में भी आप कहेंगे वही तीन एक ऑपरेटर्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक इसमें इनर या जिसे आप फ्रीजिंग ट्यूब कहेंगे और उसमें एक साइड आर्म भी लगा हुआ होता है, उसके बाहर फिर एक लार्जर ट्यूब है और फिर एक बड़ी जैकेट या बीकर जिसे आप कह दें। इसमें एक थर्मोमीटर बैकमैन थर्मोमीटर जैसे इंसर्ट किया हुआ है। मेथड इसका यही है कि ये जो वायर से यहाँ लगी है ये स्टीरर है इसे मिक्स करने के लिए। तरीक़ेकार इसका यह है कि हम नॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट को इस फ्रीजिंग ट्यूब में डाल लेते हैं और इसमें जो है ये हम क्रश्ड करके आइस डाल देते हैं ये बीकर बी के अंदर। इससे जो ठंडक पैदा होती है ये एयर जैकेट में से इस ट्यूब को ठंडा करेगी जिससे इसमें मौजूद सॉल्वेंट जो है वो फ्रीज होगा। उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हम थर्मोमीटर पर नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम दोबारा क्या करेंगे कि इसी फ्रीजिंग ट्यूब को बाहर निकाल के हथेली पर हम इसे रख के थोड़ा सा वार्म करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए, और हीट नहीं करेंगे ताकि इसके वेपर्स बाहर में निकल जाएं। अच्छा, फिर जो सॉल्यूट है उसकी नॉन अमाउंट इस साइड आर्म से इस सॉल्वेंट में डालेंगे और इसे स्टीरिंग इसे मिक्स करने के बाद इसका सोल्यूशन बना लेंगे यहाँ। अब सोल्यूशन का जो है दोबारा से फ्रीजिंग पॉइंट हम नोट करेंगे तो जो डिफरेंस है उसे हम डेल्टा टी एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका मेथड है। ये सारी जो इसमें मेंशन किया हुआ है ये इसी को ही ये बताया हुआ है। दूसरा जो रास्ट मेथड है इसमें आप देखें कि इसकी डायग्राम भी बारल दी गई होगी। तो दिस मेथड हैव बीन डेवलप्ड बाय रास्ट एंड यूज कैम्फर एज द सॉल्वेंट। It is clear that molar freezing point constant for camphor KF is equal to 40, is nearly 20 times higher than that of water. Thus, the molar solution in water will show lowering 1.86, while in camphor it will show lowering of about 40 degree.
तो इसीलिए क्योंकि इसमें मेजरमेंट जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या डिफरेंस ज़्यादा है, तो वेरी स्मॉल जो चेंज है उसको भी हम आसानी से मेजर कर सकेंगे। बस यही इसके अंदर एक फ़र्क है दोनों के अंदर में, जो दो इसके मेथड्स हैं। ये फिर न्यूमेरिकल्स आ गए कि इसमें जो है हमने वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, वैल्यूज को पुट अप करते जाएंगे। ये 9, 10 आ गई न्यूमेरिकल। पहले में तो देखें आपने कैलकुलेट किस चीज़ को किया है, कैलकुलेट दी मॉलिकुलर वेट ऑफ दी सॉल्यूट, वो मालूम किया, 100 जवाब आ गया। दूसरे में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम करना है, और फिर तीसरे में देखें दो चीज़ें, बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन, दोनों मालूम करना है। पहले आप बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेंगे, फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लेंगे। बस ये न्यूमेरिकल मैंने कहा है कि फिजिकल में क्योंकि आपने साथ साथ तैयार करने हैं। बस ये आज का आपका लेक्चर हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।